Now learning physics will be great fun with a physics teacher. A solution to all problems in physics. The physics teacher. A circular current loop of magnetic moment M is in an arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 30 degrees about an axis perpendicular to its plane is. तो आइए सबसे पहले सिचुएशन को समझते हैं. मान लीजिए हमें ये लूप गिवन है और इस लूप में करंट है I. तो अगर इस लूप में करंट I है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड होगा इस लूप के साथ, क्लियर, वो किस डायरेक्शन में होगा? इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, इस तरह से, क्लियर. अब ये कह रहा है कि इस करंट कैरिंग लूप को आपने किस में रखा है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और जो ओरिएंटेशन है वो आर्बिट्रेरी है. आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है. तो फिर ये कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. तो यहाँ पे ये वर्ड सिग्निफिकेंट हैं कि अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब इस एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग एम है, इस एक्सिस के अबाउट हमें इस लूप को क्या करना है? रोटेट करना है. मतलब क्या कि मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट ले लिया और जब हम लूप को रोटेट कर रहे हैं, मतलब हमें लूप को लूप के प्लेन में ही रोटेट करना है, कितने एंगल से? थ्रू एंगल 30 डिग्री, क्लियर. तो इस सिचुएशन में हमें वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन की सिचुएशन क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? मींस द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर. तो आप यहां पे देखें कि अगर हम डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें, सो दैट इज एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1. तो अगर हम इस सिचुएशन को कंसिडर करें तो जो चेंज इन एंगल आएगा, चेंज इन एंगल आएगा एम और बी के बीच में, वो तो कुछ हुआ ही नहीं, दैट हैज रिमेन सेम. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्निंग द लूप इन इट्स प्लेन विल बी जीरो, क्लियर. तो इस ऑप्शन, इस कंडीशन के हिसाब से जो ऑप्शन फोर्थ है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन.